हेलो एवरीवन। इंसान जानवरों की भाषा समझ नहीं सकते और इसीलिए उनका बर्ताव कई सवाल खड़े करता है। कुत्ते अपने सिर टेढ़ा क्यों करते हैं और बिल्लियां ऐसी अजीब आवाजें क्यों निकालती हैं? आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और शायद इससे आप अपने पालतुओं को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Why do cats bite? आपने शायद खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया होगा। आप अपनी बिल्ली को प्यार से सहला रहे हैं और वो अचानक आपको जोर से काट लेती है। लेकिन बुरा मत मानिए, आपकी बिल्ली अभी भी आपसे प्यार करती है, लेकिन अब वो इस प्यार से थक चुकी है। जी हाँ, बिल्लियाँ कम्युनिकेट करने के लिए अग्रेशन का इस्तेमाल करती हैं। तो इसका मतलब वो आपको काट कर कहना चाहती है। काटने का दूसरा अर्थ होता है कि वे खेलना चाहती हैं। ये रहा उसका उदाहरण। ऐसे बर्ताव से कोई खतरा नहीं होता। बिल्लियाँ अक्सर आपके हाथ को एक अनोखा खिलौना समझती है। Why do dogs bark when seeing hugs? अब यहाँ देखिए, ये लड़की इस लड़के को हग करना चाहती है, लेकिन पिटबुल को इस खुलेआम प्यार के प्रदर्शन पर आपत्ति है। ये काफी कॉमन बिहेवियर है। अगर कुत्तों के मालिक किसी को हग करे तो हमारे चार पैरों वाले दोस्त दूसरे इंसान पर हमला कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उन्हें जलन हो रही होगी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। कुत्तों की दुनिया में किसेस या हग नहीं होते, इसीलिए अगर कोई ज्यादा करीब आ जाए तो ये उसे खतरा मानते हैं। अगर आपके घर में किसी की हाथापाई हो जाए तो आप क्या करते हैं? दैट्स राइट, आप उन्हें अलग करते हैं। तो इसी सिचुएशंस में अपने कुत्तों पर गुस्सा मत होना, वो तो बस दुनिया में शांति चाहते हैं। Why do cats freeze with their mouth open? कभी कभी बिल्लियां एक सेकंड में खूबसूरत और शांत प्राणी से एक अजीब जानवर में बदल जाती है। क्या आपने कभी उन्हें अपना मुंह खोल के कंफ्यूजन में यहाँ वहाँ देखते पकड़ा है? क्या ये किसी प्रकार की बीमारी है या कोई शौक? दरअसल ये बस हवा को टेस्ट कर रहे हैं। बिल्लियों के मुंह में एक्स्ट्रा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसी गंध को बेहतर समझने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत हमारे लिए मजेदार बन जाती है। Why do cats knock things over? आपने ये ग्लास यहाँ क्यों रखा है? आप टेबल पर कोई भी चीज रखो, अगर आपके पास एक बिल्ली है तो वो उसे जरूर गिरा देगी। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ये बस आपका अटेंशन पाना चाहते हैं और कभी कभी थोड़ा मजाक करना चाहती हैं। वैसे ये बिल्ली का हंटिंग इंस्टिंक्ट भी हो सकता है। ज्यादातर मामलों में ये छोटे जानवर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा करते हैं। ये मत भूलिए कि इनके अंदर भी एक बच्चा छिपा हुआ होता है। Why do parrots grind their beaks? हम सभी जानते हैं कि पैरट्स अपने गले से अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये जानवर हमें गाने सुनाकर सरप्राइज कर सकते हैं। चर्प्स, क्लिक्स, टैप्स। ये किसी पुराने टूटे हुए डिवाइस की तरह लगता है, लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब पैरट्स खुश होते हैं तब ऐसी आवाज निकालते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब है कि अब ये सोने के लिए तैयार हैं। ये छोटा पक्षी अभी अभी गाने के मजे ले रहा था और अचानक अपने मालिक के हाथों में सो गया। वेल, कम से कम ये पक्षी हमारे चार पैरों वाले दोस्तों से ज्यादा सोशल होते हैं। Why do cats bring us gifts? बिल्लियां अपने मालिकों के लिए गिफ्ट्स लाना पसंद करती हैं। ये आपके लिए एक मरा हुआ चूहा, मरा हुआ पक्षी या कोई और अजीब चीज लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करती हैं? ये बर्ताव ज्यादातर मदर कैट्स में देखा जाता है। वो अपने बच्चों के लिए शिकार ले आती हैं, ताकि वो खुद एक शिकारी बन सके, और कभी कभी अपने गिफ्ट्स को आपके साथ बांटना चाहती हैं। इन गिफ्ट्स में उनका पसंदीदा खिलौना भी हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस जेस्चर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Why do dogs walk in circles? भले ही आपके पास कुत्ता ना हो, लेकिन आपको पता होगा कि ये कहीं बैठने से पहले अपने जगह के कुछ चक्कर लगाते हैं। आपको आश्चर्य होगा।
लेकिन ये उनकी पुरानी सीख है। पुराने जमाने में कुत्ते घरों के बाहर रहते और सोते थे। उस जमाने में इनके लिए पैडेड सोफाज या कंफर्टेबल बेड्स नहीं होते थे, इसलिए बड़ी घास को फ्लैट करने और सांप तथा दूसरे कीड़ों को भगाने के लिए ये ऐसा करते थे। और आप देख सकते हैं कि इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट आज भी इनके साथ है। Why do cats drag their food out of their bowl? इस बिल्ली को देखिए, इसके सामने दो खूबसूरत बोल्स रखे हैं, लेकिन फिर भी ये फर्श से चीज खाना पसंद करती है। शायद इनके मालिकों को ये बोल्स बदलने होंगे। बिल्लियों की मूछें बेहद सेंसिटिव होती हैं। अगर बोल ज्यादा गहरा हो तो इनकी मूछें बर्तन से टकराती है, इस वजह से वो अपने खाने को एंजॉय नहीं कर पाते। खाना और पानी एक साथ रखने से भी इन्हें परेशानी है। बिल्लियां अपना खाना पानी से दूर खाना पसंद करती है। जाहिर है ये लोग खाने के बारे में काफी चूजी होते हैं। Why do rabbits thumb their hind legs? रैबिट्स बेहद क्यूट होते हैं और दूसरे पालतुओं की तरह अपने मालिकों को सरप्राइज कर सकते हैं। कभी कभी ये जानवर बिना वजह अपने अगले पैर चलाने लगते हैं। लोगों को ये मजेदार लगता है, लेकिन रैबिट्स के लिए ये मजेदार बात नहीं है। हो सकता है कि वो किसी चीज से घबराकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। अगर ये किसी दूसरे जानवर को देखकर ऐसा करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये अपने मालिक को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हों, तो इसका मतलब हमें उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ना चाहिए। Why do rabbits hop around? हमारे बड़े कानों वाले साथियों की बॉडी लैंग्वेज काफी वेल डेवलप्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रैबिट्स हवा में ऊंची छलांग लगा सकते हैं। ज्यादातर ऐसा तब होता है जब आप इन्हें घूमने के लिए बाहर छोड़ते हैं। इसका कारण सिंपल है, ये जानवर इस नए वातावरण से काफी खुश और कंफर्टेबल है। जब इंसान भी बेहद खुश होते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं, इसलिए हमें रैबिट्स की भावनाओं को समझ लेना चाहिए। Why do hamsters freeze? I'm alive, but I'm dead. क्या ये हैमस्टर मर गया है? Stop it. अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इसने आपको बेवकूफ बना दिया है। हैमस्टर्स अक्सर खतरा देखकर खुद को बचाने के लिए मरने की एक्टिंग करते हैं। ये जानवर भी किसी चीज को देखकर डर गया होगा, तो हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। कभी कभी ये एक जगह पर फ्रीज भी हो जाते हैं। कुछ जानवर दुश्मन को देखकर भाग जाते हैं और कुछ पलटवार करते हैं, लेकिन ये छोटे जीव डर से पैरालाइज हो जाते हैं। ये खतरे से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हैमस्टर्स कई पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं। Can guinea pigs purr? क्या आप ये सोचते हैं कि सिर्फ बिल्लियां ही पर की आवाज निकाल सकती है? How about guinea pigs? ये कोई एनिमल ही नहीं है, ये मजेदार जीव भी खुश होने पर ऐसी आवाजें निकाल सकते हैं। उन्हें बस थोड़ा प्यार से खुजाएं और ये शुरू हो जाएंगे। वैसे पता नहीं इन प्यारे जीवों को पिग्स क्यों कहते हैं, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। Why do dogs tilt their heads? वार्निंग, अगले कुछ सेकंड्स में आप बेहद क्यूट चीजें देखने जा रहे हैं। कुत्तों को सिर टेढ़ा करने की आदत होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये जानवर हमारी भाषा या शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। A walk? Maybe a walk outside? कभी कभी जब आप इनसे बातें कर रहे हों तो ये अपना सिर यहाँ से वहाँ मोड़ना शुरू करते हैं। हालांकि साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसका सुनने से कोई संबंध नहीं है। ये जानवर बस उस चीज को ठीक से देखना चाहते हैं जहां से आवाज आ रही है, या हो सकता है कि वो हमारा प्यार पाना चाहते हों। Why do parrots need mirrors? अगर आप किसी जानवर को एक आईना दिखाओगे तो वो अपनी रिफ्लेक्शन को दूसरा जानवर समझ बैठेगा। पैरट्स इसका अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ये अपनी कॉपी से कैसे बात कर रहा है। लगता है इसे अपना दोस्त काफी पसंद आया। पैरट्स काफी सोशल जानवर होते हैं और इसलिए अपनी ही रिफ्लेक्शन के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं। सच बताइए, क्या आप भी घर पर ऐसा करते हैं? Why do cats make strange noises? हम इन आवाजों को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। कुछ जानवर जब खुश हो जाते हैं तो फर्श पर लेटना पसंद करते हैं, लेकिन बिल्लियां अपनी खुशी का इजहार थोड़े अलग तरीके से करती है।
अगर आपके पास एक बिल्ली है तो आप उसके इशारे समझ जाओगे। शायद बाहर कोई पक्षी उड़ रहा हो या शायद उसने किसी चूहे या गिलहरी को देख लिया हो। जो भी हो, इन जानवरों के इंस्टिंक्ट्स उन्हें इस तरह की आवाजें निकालने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सुन ले तो समझ लीजिए कि आपकी बिल्ली शिकार करना चाहती है। गाइज एक सेकंड रुकिए, किस किस को सबसे आश्चर्यजनक और असली स्टोरीज की वीडियोस देखनी है? ये हर चीज के बारे में है, प्यार और धोखा, गम और खुशी, सफलता और असफलता। हर एक एनिमेटेड स्टोरी यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हम वादा करते हैं ये आपको आखिरी मिनट तक मोहित रखेगा। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो लिंक फॉलो कीजिए और प्राइवेट डायरी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपको सभी सबसे पर्सनल स्टोरीज वहीं मिलेंगी।